नमस्कार दोस्तों, भारतीय साहित्य में आप सभी का स्वागत है। आज के इस हम वीडियो में बात करने वाले हैं कैसे नाभि के अंदर हर रोज रुई या कॉटन आता है, इसका वैज्ञानिक कारण क्या है, इस पर हम आज प्रकाश डालने वाले हैं। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए आप हमारे भारतीय साहित्य को सब्सक्राइब कर लें। तो 24 वर्ष की उम्र तक मैं यही समझता था कि ये कोई चमत्कार है, क्योंकि मेरे पिताजी ने मुझे ऐसा ही बताया था। पर जब मैंने 12वीं क्लास में था और दिमाग के कपाट काफ़ी खुल चुके थे, अंधविश्वास मैं बिल्कुल नहीं मानता था। एक दिन फिर मेरे पिताजी ने इसी बात को फिर दोहराया, ओह चमत्कार बताया इसको। तब मेरे मन में बहुत ही कौतूहल जागा और मैंने फैसला किया कि इसके पीछे का जो विज्ञान है वो मैं जानकर ही रहूँगा, इस अंधविश्वास को अपने परिवार में खोलकर रहूँगा। हम भारतीय लोग, खासकर मर्द, अपनी शर्ट के नीचे कॉटन की बनियान जरूर पहनते हैं, को गर्मी में पसीना सूखने का काम करती है, वह शरीर को ठंडक प्रदान करती है। बस इसी में यह राज छुपा है। हमारी नाभि के आसपास शरीर पर बाल होते हैं। बनियान होजरी के कपड़े से बनी होती है। हमारी दिनचर्या में यह बनियान हमारे नाभि के आसपास वाले बालों से घर्षण करके कुछ रुई बना लेती है, और क्योंकि नाभि एक गड्ढे में होती है इसलिए यह रुई इकट्ठे होकर उस गड्ढे में जमा हो जाती है, जिसे हम चमत्कार मानते हैं। इसका राज मुझे अचानक ही पता चल गया, क्योंकि उन दिनों शर्ट के नीचे बनियान पहनने का फैशन हट गया था। सभी युवा बिना बनियान के शर्ट पहनते थे, वह शर्ट के ऊपरी दो बटन भी खोलकर रखते थे। मैंने भी ऐसा ही करा तो कुछ दिनों बाद मैंने देखा कि जब मैं पॉलिएस्टर की शर्ट पहनता हूँ तो उस दिन नाभि पर रुई इकट्ठा नहीं होती है। फिर मैंने इसे नोट करना शुरू करा तो मैंने पाया कि जब भी कॉटन जैसे कपड़े पहनता हूँ तो रुई इकट्ठा हो जाती है। कभी उसकी मात्रा कम या कभी ज़्यादा हो सकती है, यह कपड़े की क्वालिटी पर डिपेंड करता है। और जिस दिन मैं पॉलिएस्टर या नायलॉन के कपड़े पहनता हूँ उस दिन रुई नहीं बनती। तो अब आप लोग समझ चुके होंगे कि यह कोई चमत्कार नहीं है। इस बात को एक और तरीके से भी समझ सकते हैं कि औरतें अक्सर रेशम या पॉलिएस्टर से बने कपड़े पहनती हैं, इसलिए उनकी नाभि में कभी रुई नहीं बनती। अगर यह चमत्कार होता तो सभी के नाभि में रुई बनना चाहिए। इसे एक और बात से भी सिद्ध कर सकते हैं कि आप अपनी नाभि को कपड़े से ना ढकें तो रुई नहीं बनेगी। धन्यवाद, उम्मीद है आपको जवाब पसंद आया होगा। कोई शंका हो तो प्रयोग खुद करके देख लेना। अगर संतुष्ट ना हो तो आप वोट ज़रूर कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।